Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I am here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. Zid Se Jeet Tak. Hi everyone. बच्चे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन जो आई थिंक आप सब लोगों ने कर रखी होगी कि जब आप किसी पार्टीज या किसी फंक्शंस वगैरह पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे ना फूड वेस्टेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है राइट। पर कभी भी हमने फूड वेस्टेज के ऊपर ना कोई ढंग का स्टैट नहीं आते हुए देखा होगा। हेयर एंड देयर विली नीली कहीं पे कोई एक एनजीओ की कोई रिसर्च है ना, कोई दूसरी कुछ रिसर्च है, इस टाइप की रिसर्च आपके सामने जो है वो आई होंगी। कभी प्रॉपर एक प्रॉपर रिपोर्ट टाइप की चीज हमने नहीं देखी है भी तो इतनी पॉपुलर नहीं है राइट। प्लस हम इतना ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं है इस पर्टिकुलर इशू को लेके। इसके अंदर हमें दो चार चीजें ध्यान में रखने वाली हैं कि एक्चुअली फूड वेस्टेज की डेफिनेशन क्या है, हम किस फूड को वेस्टेड फूड कहेंगे राइट, और मैक्सिमम जो फूड वेस्टेज है वो कहां हो रही है, कौन से सेक्टर में हो रही है, इस टाइप की चीजें जिसके बाद में जो है हम थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा सा आगे जा सकते हैं राइट। तो आज की जो हमारी रिपोर्ट है दैट इज फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट राइट। सो टेक्निकली इट्स एन इंडेक्स राइट। सो फूड वेस्टेज या फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो कि आपकी जॉइंटली इट हैज बीन गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP है ना, एंड साथ में आपका WRAP रैप विच इज वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम जो कि एक UK बेस्ड नॉन प्रॉफिट है। तो पहली चीज तो ये आपको अगर UPSC के अंदर इस टाइप का कोई सवाल आता है ना तो आपको बच्चे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट किसने दी है। इसके अलावा अगर फर्दर वो डिटेल में जाता है यूपीएससी इसके है ना तो वो इतना ज्यादा गहरा नहीं जाएगा लेकिन उन पॉइंट्स को टच करेगा जो कि आपकी नजर के सामने अदरवाइज नहीं आते है ना। जैसे कई बार आप एक चीज को रिवाइज कर रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल प्री इंडिपेंडेंस वाला कर लिया, आपने 1930 से 1947 का हिस्ट्री के जो नोट्स हैं आपने इसको रिवाइज कर लिया, 3-4 बार कर लिए, स्टिल एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि उन्हीं नोट्स में से होता है लेकिन आपकी नजर नहीं गई होती कभी उस पे। आप देखते हैं वहां पे एग्जाम में, आप सोचते हो कि यार इस पे तो ध्यान ही नहीं गया था, और फिर आप पलट के वापस आते हो, नोट्स देखते हो, आप देखते हो कि अरे यार लिखा तो हुआ है, इसको कभी उस नजर से देखा ही नहीं। तो इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती हैं इसको बड़े टेढ़े नजर से देखना होता है। जो कि सामने पड़ा है, जो कि आउट देयर है, वो तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा उसके पीछे छुपी हुई चीजें कुछ कुछ होती है ना, तो वो भी हम साथ साथ देखते हैं बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कब स्टार्ट हुई थी, बहुत रिसेंट फिनोमेना, स्टार्टेड इन 2021। द फूड वेस्टेज इंडेक्स मेजर द फूड वेस्ट at retail and consumer level, that means household and food services। ठीक है, retail का मतलब आपका हो गया restaurants वगैरह इसमें include हो जाते हैं है ना, और यहाँ पे आपका consumer level पे कहाँ पे हो गया, आपका household level हो गया, और जहां पे भी आप food को consume कर रहे हो, purchase कर रहे हो, वो सारा level जो है इस level के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपने याद रखना है कि food waste index report जो है ये supply chains को नहीं include करता है, ये प्रोडक्शन लॉसेस को नहीं इंक्लूड करता है ना। फॉर एग्जांपल आपने टमाटर बोए वहां पे और उसमें से आपके 2% टमाटर सड़े हुए निकल आए है ना, तो टेक्निकली इट्स अ फूड वेस्टेज, बट उसको हम फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर नहीं करते क्योंकि वो सप्लाई चेन का, वो प्रोडक्शन का लॉस है ना। तो हम किसकी लॉस की बात कर रहे हैं, वेस्ट की बात कर रहे हैं, विच इज रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल, जो कि आपका रफली पड़ता है आपका हाउस होल्ड एंड फूड सर्विस। It is jointly authored by ये. Objective क्या है इसका, to catalyze essential action towards reducing food wastage and achieving UN sustainable goal SDG 12.3 है ना। ये भी आपको directly जो है वहां पे पूछ सकते हैं कि वो 12 की जगह इसको 14 कर देंगे, drastically change करेंगे, 12.3 को 12.2 नहीं कर देंगे है ना, वो 12.3 ही रहने देंगे, मतलब या तो 12.3 रहने देंगे या फिर उसको drastically change कर देंगे। तो आपको बस मोटे मोटे SDGs पता होने चाहिए, जो कि 17 SDGs हमारे हैं, आपको ऊपर ऊपर से वो सारे जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए। एक्सक्यूज मी, टारगेट 12.3 क्या करते हैं, कॉल्स फॉर कटिंग इन हाफ पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल, ये भी रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल की बात कर रहे हैं, एंड रिड्यूसिंग फूड लॉसेज अलॉन्ग द प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बाय 2030। तो ये आपका एसडीजी 12.3 का गोल है ना, जो फूड वेस्टेज को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। द रिपोर्ट डिफाइंस फूड वेस्ट, ये बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली स्लाइड के अंदर ही आज हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डिफाइंस फूड वेस्ट एज फूड एंड एसोसिएटेड इनएडिबल पार्ट्स, एज फूड एंड एसोसिएटेड इनएडिबल पार्ट्स रिमूव्ड फ्रॉम द ह्यूमन फूड सप्लाई चेन,
कहने का मतलब अगर मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो जब आप गोभी बना रहे हो घर पे, है ना, गोभी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर जब आप बना रहे हो घर पे तो जो उसके डंठल होते हैं नीचे, डंठल की इंग्लिश नहीं पता मुझे, जो डंठल होते हैं जो बच जाते हैं उसके, तो दैट वो दैट कॉन्स्टिट्यूट एज अ फूड वेस्टेज, है ना। तो ये यूपीएससी आपको इस कॉन्सेप्ट पे सवाल लेके आएगा, वो कॉन्सेप्चुअल लेके खींचेगा यूपीएससी, है ना। तो वो भी आपको फूड वेस्टेज कैटेगरी में जो है फॉल करता है। की हाईलाइट्स देख लेते हैं बच्चे इसके, तो वर्ल्ड वेस्टेड 1.5 बिलियन टन ऑफ फूड, ठीक है, दिस अमाउंट्स टू रफली 19% और 1/5 ऑफ द फूड अवेलेबल। आप ये एक अलार्मिंग चीज है बच्चे, अगर आप देख पा रहे हो तो 1/5 ऑफ द फूड इज वेस्टेड ग्लोबली, है ना। अगर आप ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करते हो, जैसे इंडिया और ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है, ना, कुछ पार्ट इंडिया का मतलब, है ना, तो हॉट क्लाइमेट है इंडिया का, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है बहुत जगहों पे, तो यहाँ पे फूड वेस्टेज ज्यादा होती है क्योंकि इनएडिबल पार्ट ज्यादा है इन जगहों पे और स्पॉइलेज भी ज्यादा होती है, राइट, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो ये एवरेज अमाउंट है, ये इट इंक्लूड्स नॉर्डिक कंट्रीज, दैट इज इन एडिशन टू द 13% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड लॉस्ट इन द सप्लाई चेन। ये ओवर दैट है, तो 13% ये हो गया, 20% वो हो गया, टेक्निकली 33%, 1/3 फूड तो वेस्ट हो जाता है प्रोडक्शन से लेके आपके टेबल तक आते आते, और उसके बाद भी 1/3 फूड इज वेस्टेड। और ये सेम टाइम पे हो रहा है जब आपकी एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन का चंक, एक पूरा कॉन्टिनेंट है ना, विच इज क्लोज टू स्टार्विंग, राइट। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फूड वेस्ट कम फ्रॉम द हाउस होल्ड्स, दूसरा फैक्ट ये है बच्चे, ये भी आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आउट ऑफ द टोटल फूड वेस्टेड इन 2022 हाउस होल्ड्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर 631 मिलियन टन्स इक्विवेलेंट, तो 60% हाउसहोल्ड वेस्ट एटलीस्ट 1 बिलियन मील्स अ डे, ह्यूज है ना। हम घर पे ध्यान कम देते हैं, थोड़ा सा कैजुअली चलते हैं इस चीज को लेके, और अगर ये आपके थोड़ा घुस रहा है दिमाग के अंदर, है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि यू मेक सम लाइफस्टाइल चेंजेस एंड लेट अस ऑल प्लेज टू वेस्ट लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ फूड्स इन फ्यूचर, ताकि धीरे धीरे हमारा जो फूड वेस्टेज है वो जीरो हो जाए। हालांकि हमारे कल्चर के अंदर फूड वेस्टेज को इट इज फ्राउंड अपॉन, है ना, तो चेक वहां पे है, लेकिन हम भी पर्सनल चेक्स जो है वो रख सकते हैं। ऑन एवरेज ईच पर्सन वेस्ट 79 केजीज ऑफ फूड एनुअली, ठीक है बच्चे, ये ग्लोबल एवरेज है, राइट। इसके अलावा दीज आर दी मेथोडोलॉजी जिससे हम फूड वेस्टेज को जो है कम कर सकते हैं, पॉलिसी लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जिसके लिए आप एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.